हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं लिख के आया हूँ एक नई जॉब अपडेट के बारे में, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन टाटा पावर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें लगभग 890 पदों पर वैकेंसी निकाली गई हैं और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है, जिसमें एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। इसमें आपकी जो पोजीशन वो क्या रहने वाली है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है, इसके अलावा आपकी ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोजीशन रहने वाली है। आप बात करें कि आपकी सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो दोस्तों आपकी सैलरी स्ट्रक्चर वो 8 से 9 लाख पर ईयर के अराउंड रहने वाली है, जो कि आपके इंटरव्यू और क्वालिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेन मुद्दे पे कि आपकी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन क्या है। यदि दोस्तों आपने 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक से कर रखा है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपने 4 साल की बीटेक मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक से कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा यदि आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, यानी आपने बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखी है या बीए कर रखे हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ कि यहाँ पर इसको अप्लाई कैसे करना। दोस्तों ये वैकेंसी है वो डायरेक्ट लिंक्डइन की तरफ से निकाली गई है। तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट लिंक्डइन में आ जाएंगे, ताकि आपका टाइम सेव हो जाए। तो चलिए दोस्तों मैं अप्लाई करना बताता हूँ कि कैसे इसको अप्लाई किया जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिंक्डइन पर आ गया हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वैकेंसी मैनुअल डिशा की तरफ से निकाली गई है, जो कि टाटा पावर के हेड एचआर रह चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कंपनी के बारे में जानकारी दी गई है, आप चाहें तो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों डिस्कस करते हैं हम इसमें जॉब पोजीशन के बारे में। तो दोस्तों पहली जो पोजीशन है वो डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की है, जिसमें आपकी जो ब्रांच है वो इलेक्ट्रिकल रहने वाली है। दोस्तों इसकी अप्लाई करने का प्रोसेस मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, ताकि इससे पहले मैं बारी बारी डिस्कस कर लेता हूँ जॉब पोजीशन के बारे में। तो दोस्तों इसकी जो पहली पोजीशन है डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग रहने वाली है, और इसमें यदि आपने इलेक्ट्रिकल 3 साल का कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, या आपने बीटेक कर रखा है तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा यदि आपने एमटेक भी कर रखा है या एमबीए कर रखा है तो भी दोस्तों आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो वैकेंसी होगी ये भी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, यदि आपने इसमें मैकेनिकल से कर रखा है तो अभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड वैकेंसी होगी दोस्तों वो है ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, यानी आपने यदि बीई या फिर आपने बीटेक कर रखा हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो चौथी वैकेंसी है दोस्तों वो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी है, इसमें यदि आपने बीकॉम या बीएससी किसी भी स्पेशलाइजेशन से कर रखे हैं तो इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो जैसे हम लिंक पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो एक टैब ओपन हो जाता है, और टैब में हम देख रहे होंगे कि इसको एक गूगल फॉर्म सा खुल जाता है। अब मैं इसको दोस्तों अप्लाई कैसे करना है वो बताता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग वाली लिंक पे क्लिक किया है और ये लिंक ओपन हो गई है। अब मैं इसको फिल करना बताऊँगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अपना जो आपका नाम हो, आधार कार्ड में मैंशन हो, उसी को दोस्तों आप यहाँ पर फिल करना है। आपकी जो ई मेल आई डी जो ऑफिशियल हो वो यहाँ पर भरना है। उसके अलावा दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में है दोस्तों वही मोबाइल नंबर यहाँ पे करना है। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आधार कार्ड में मेंशन हो वही आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस है दोस्तों वही करंट एड्रेस आप फिल कर देना, करंट एड्रेस जहाँ पे है वो एड्रेस फिल करना है। इसके अलावा आपकी जो करंट सिटी होगी करंट सिटी को फिल कर देना, जो आपका करंट स्टेट होगा करंट स्टेट को फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा जो आपका आधार कार्ड में जो परमानेंट एड्रेस है उसको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। फिर इसके अलावा जो आपकी जो परमानेंट सिटी है परमानेंट सिटी को फिल करना,
परमानेंट जो आपका स्टेट हो, स्टेट को फिल कर देना यहाँ पे। और यहाँ पे जो ऑप्शन दिख रहा है नेक्स्ट का, तो दोस्तों जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लिक करता हूँ तो एक नया टैब ओपन हो जाता है जिसमें मेंशन है कि आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करना है, या आपकी टेंथ किस इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा और किस सिटी में, उसका आप नाम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर आपने किस ईयर में टेंथ को पास करके रखा है वो आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। इसके अलावा फिर आपने यदि आपकी टेंथ में परसेंटेज कितनी बढ़ी है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर आपने ट्वेल्थ किस इंस्टीट्यूट से कर रखा है उसको फिल करना है दोस्तों। आपके ट्वेल्थ में कौन सी ईयर में पास आउट हो उसको यहाँ पे मेंशन करना है। फिर आपके ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज बनी है दोस्तों उसको यहाँ पे करना है। इसके अलावा यदि आपने ग्रेजुएशन किए तो उसको यहाँ पे फिल कर देना है दोस्तों, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने ग्रेजुएशन कर रखे हो यहाँ फिल कर देना। कौन सी ईयर में आपने ग्रेजुएशन पासिंग किए उसको यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज में हैं या कितनी CGPA है उसको यहाँ पे फिल करना है। उसके अलावा जो सबमिट वाला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों जो आपका एक मेल आएगा और मेल में आपको जिस लोकेशन पर बुलाया जाएगा उस लोकेशन पर आपको जाना पड़ेगा। और दोस्तों वहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू के तरह भी हो सकता है या फिर आपका CBT बेस एग्ज़ाम के तहत भी हो सकता है दोस्तों। और आपकी सैलरी एजुकेशन और क्वालिफिकेशन के हिसाब से डिफाइन की जाएगी। तो दोस्तों यदि आपको जॉब अच्छी लगी हो और तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।